नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और हम जी पुरवैया पर लगातार आपको सबसे बड़ी कवरेज भारत बंद पर दिखा रहे हैं। नोटबंदी पर विपक्ष की नौटंकी जारी है। जी मीडिया आपको बता रहा है कि नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष के भारत बंद का सिर्फ हल्ला है, क्योंकि विपक्ष की एक भी बड़ी पार्टी भारत बंद के साथ नहीं है। नोटबंदी को लेकर आज विपक्षी पार्टियां देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। कांग्रेस ने जन आक्रोश दिवस मनाने का फैसला किया है, तो कई बड़े मजदूर संगठनों ने हड़ताल का ऐलान किया है। लेकिन बिहार में इस बंद के साथ दो बड़े दल जेडीयू और आरजेडी नहीं है। रही बात कांग्रेस की, तो बिहार में वैसे भी कांग्रेस का कोई जनाधार नहीं है। तो अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें तो नोटबंदी के फैसले के खिलाफ विपक्ष के बुलाए गए इस भारत बंद का असर कम से कम बिहार में राजधानी पटना में नजर नहीं आता है, क्योंकि आपको ये पता ही होगा कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने खुद मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले का समर्थन किया है और उसके बाद मजबूरन महागठबंधन में शामिल दल आरजेडी को भी मुखर तौर पर विरोध करते नहीं देखा गया नोटबंदी फैसले का। हालांकि आरजेडी की ओर से ये कहा गया है कि महज एक विरोध मार्च हम निकालेंगे। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस का इतना बड़ा जनाधार बिहार में है नहीं, तो इस बंद का कोई असर नहीं। आइए आपको राजधानी पटना लिए चलते हैं। डाक बंगला चौराहे पर जी मीडिया संवाददाता बृजम पांडे मौजूद हैं, सीधे हम उनका रख करते हैं। बृजम, आपके पीछे कई लोग दिख रहे हैं और ये वो लोग हैं जो बंद समर्थक हैं, बंद जिन्होंने मिलकर बुलाया है, क्या कहना चाह रहे हैं ये बातचीत कराइए। हमारे साथ अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, इनसे जान लेते हैं, प्रदेश के हैं। आप लोग आज प्रोटेस्ट मार्च क्यों? नहीं, हम लोगों का कहना बस ये है, कांग्रेस पार्टी का यही स्टैंड है कि आपने जो नोटबंदी किया इसके लिए आपने कोई ऐसी वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं की जिससे कि आम जनता को परेशानी नहीं हो। आप पूरी तरीके से देश की जनता को आपने रोड पे ला दिया। किसान मजदूर सभी परेशान है, लोग रोजगार से छूट के उनकी रोजगारी खत्म हो रही है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है कि वो घर भी आ सके। आप इस तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए थी आपको, कम से कम किसान और मजदूर वर्ग के कि हम बातचीत भी सुना रहे किया था, वो बंद तो नहीं नजर। नहीं, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बंद का आह्वान नहीं किया था। कांग्रेस पार्टी जन समर्थन में जन आक्रोश रैली निकाला, जन आक्रोश हम मार्च निकाल रहे हैं जिससे कि लोगों की और आम जनता की भावना नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच सके और उनको ये समझ में आ जाए कि देश की पूरी जनता ये चाहती है कि आपने जो फैसला लिया था। लेकिन विपक्ष के बुलाए गए इस बंद से जनता का क्या भला होगा? देश की जनता और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आप काला धन लाए, बल्कि जनता को तो परेशानी होगी। बिजली जी बिजली, मेरा सवाल ये है कि जनता के लिए जो बार बार ये विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि हम जनता के भले के लिए ये बंद बुला रहे हैं, भारत बंद हम इसलिए बुलाया है ताकि नोटबंदी का फैसला वापस लिया जाए, लेकिन आम जन तो अपना समर्थन दे रही है, साथ ही साथ इस बंद से जनता को परेशानी भी कई जगहों पर हो सकती है, तो कौन सा भला कर रहे हैं ये विपक्ष का, जनता का, माफ कीजिएगा। देखिए, ये आक्रोश मार्च छोटे छोटे पॉकेट्स में लेकर निकल रहे हैं और आपको बता दें कि बहुत ज्यादा संख्या इनकी आक्रोश मार्च में नहीं है। हम तस्वीरों के साथ अंजलि दिखाना चाहते हैं, आप देखिए बहुत ही छोटी संख्या है, 20-25 की संख्या में लोग निकल रहे हैं। ये कांग्रेस की तरफ से आक्रोश मार्च निकाला गया है, लेकिन सिर्फ इसलिए निकाला गया है कि सिर्फ मीडिया की नजर में आ सकती, लेकिन उसका असर आम जनजीवन पर नहीं पड़ रहा है। देखिए, जो यातायात है ये ट्रैफिक की हैवी ट्रैफिक यहाँ डाकमंगला चौराहे पर रहता है, लेकिन यहाँ कोई खास असर नहीं दिख रहा है। ट्रैफिक अपने मुताबिक ही चल रही है। आज मंडे का दिन है, आज सोमवार का दिन है और आपको बता दें कि यदि आज बंदी होती तो नज़ारा कुछ और होता। लोग कार्यालय जाने में दिक्कत होता, लोगों को ऑफिस जाने में दिक्कत होता, लोग स्टेशन से नहीं आ पाते हैं, बस स्टैंड से निकलने में दिक्कत होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अब देखिए, हम लगातार बता रहे हैं अपने दर्शकों को कि जिस तरह से वो घर से निकले हैं, बेखौफ होकर निकले हैं, कोई टेंशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और हम लगातार आम लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ऐसा कोई बंदी है भी नहीं जिससे वो परेशान हों। आपको बता दें कि जिस कांग्रेस ने जिस तरह से आक्रोश मार्च की पहल की है और वो भी निकल रहे हैं,
तो उनका भी जत्था बहुत बड़ा नहीं है जिससे कोई आम जनजीवन प्रभावित हो सके। छोटे छोटे पॉकेट्स में छोटे छोटे लोग मोर्चा और जो प्रकोष्ठ के लोग हैं वो लेकर मार्च निकल रहे हैं और वो भी टाइम टू टाइम यानी कि एक समय नहीं निकल रहे हैं, तो बहुत ज्यादा भीड़ सड़क पर नहीं दिख रही है। आम जनजीवन आम दिनों की तरह है। जो मैं साफ तौर पे जहाँ तक देख पा रहा हूँ अंजलि, कैमरा उस जगह तक तो नहीं बिल्कुल, और जो तस्वीरें आप हम तक भी पहुँचा रहे हैं उसमें भी जनजीवन सामान्य लग रहा है, सब कुछ सामान्य है, आवागमन भी सुगम रूप से चल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर ये बंद बेअसर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिजम आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और बातचीत के लिए। वहीं नोटबंदी के खिलाफ विपक्ष का आज भारत बंद है, विपक्ष भी इस मुद्दे पर बटा है, कोई बंद के साथ है तो कोई इससे अलग, दिखावे के लिए ही सही सब जनता का हितैषी बनने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ सरकार, एक तरफ हम सब भ्रष्टाचार के सारे रास्ते बंद करने में लगे, काले धन के सारे रास्ते बंद करने में लगे हैं और दूसरी तरफ भारत बंद करने में लगे। नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है, इसी का नतीजा है कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन जिस नोटबंदी को लेकर विपक्ष ने बंद बुलाया है उसमें अब थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। दरअसल हर मुद्दे पर साथ देखने वाली विपक्षी पार्टियां अब अलग अलग राग अलाप रही है, खासकर बंद की अगुवाई करने वाली कांग्रेस के तो सुर ही बदल गए हैं। जन आक्रोश दिवस है, प्रोटेस्ट रैली होगा। वहीं आरजेडी ने भी बंद से अपने को अलग कर लिया है, उसका कहना है कि वो जनता के साथ है लेकिन बंद के साथ नहीं है। नोटबंदी का वो विरोध करेगी लेकिन बंद के जरिए नहीं बल्कि रैली और मार्च के जरिए। हम इश्यूज के साथ हैं, हम बड़ी लड़ाई के साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं, हम गरीबों के पक्ष को नहीं छोड़ते। बंद के मुद्दे पर जेडीयू ने अपना स्टैंड पहले ही साफ कर दिया था, जिसके बाद दूसरी पार्टियों ने भी अपना रुख बदलना शुरू कर दिया। तो अभी जो देश में नोटबंदी की चर्चा चल रही है तो हम लोगों ने पहले ही साफ कर दिया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उसी दिन इसका स्वागत किया था। वहीं लेफ्ट ने बंगाल में बंद बुलाया है लेकिन ममता इस बंद के समर्थन में नहीं है। कुल मिलाकर इस मुद्दे पर विपक्ष में एक राय है ही नहीं, लिहाजा ये कहने में गुरेज नहीं कि नोटबंदी पर जनता की हिमायती बनने की विपक्ष की इस कोशिश को जोरदार झटका लगना तय है। जी मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट। कैशलेस इंडिया की ओर बढ़ते देश के कदम के साथ लोग चल पड़े हैं। भले ही विपक्षी पार्टियां नोटबंदी का विरोध कर रही हैं, लेकिन पीएम मोदी की मुहिम से जुड़कर आम आदमी के साथ ही अब छोटे दुकान भी ऑनलाइन पेमेंट का विकल्प अपना रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा ने पटना में ऐसे ही कुछ लोगों से बात की। कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ इंडिया बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री ने भी अपील की है इस बारे में। इस वक्त हम पटना के मौर्या लोक परिसर में हैं। छोटी से छोटी दुकान पर पेटीएम जैसी चीजें इस्तेमाल की जा रही है। प्रधानमंत्री का स्टेप है कि कोई भी कार्य चेक पेटीएम और एटीएम के अनुसार ही हो और ट्रांजैक्शन उसी अनुसार हो। पूरे विश्व में कैशलेस ट्रांजैक्शन की मांग बढ़ी है और इससे हमारे जमाखोरी पे भी अंकुश लगेगा। लोग काले धन जो जमा करके रख रहे हैं उस पर भी काफी अंकुश लगेगा, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी यह कदम उठाया है काफी सराहनीय है और लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए। नोटबंदी का फैसला बड़ा फैसला था, पहले तो हलचल थी लेकिन अब लोग भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कैशलेस ट्रांजेक्शन उनके लिए भी बेहतर हो सकता है और देश के लिए भी बेहतर है। कैमरामैन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो इधर सिवान में भी विपक्ष के बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। ताजा हालात बता रहे हैं जी मीडिया संवाददाता आकाश, उनका हम रुख करते हैं। आकाश ये बताइए कि किस तरीके का वहां पर बंद को लेकर के तस्वीरें नजर आ रही हैं।
देखिए सिवान में जो आज का माहौल बना हुआ है और आज जो बंदी को लेकर लोग बाजारों में उतरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत बंदी का असर दिख रहा है। हम लोग बहुत इसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि काले धन के मुद्दे को लेकर हम लोग काफी सजग रहे हैं और हम लोग की सजगता होने के पीछे का रीजन ये है कि हम लोग काफी सुकून महसूस कर रहे हैं। जब से बड़े नोट बंद हुए हैं तब से लेकर अभी तक लोग काफी खुश महसूस अपने आप को कर रहे हैं। हालांकि थोड़ी सी दिक्कतें आ रही है, नए नोट नहीं मिल पा रहे हैं समय से और बहुत लोगों के पास जो पैसे होने चाहिए या जो दिक्कतें आ रही है उसको लोग सामना कर रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए लोग काफी उत्सुक है। और ये तो लगभग बिहार के हर जिले और हर छोटे बड़े जगहों पर बंद का कोई असर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि बंद कुल मिलाकर बेअसर है। नोटबंदी के विरोध के मामले पर विपक्ष बिखर गया है, खासकर नीतीश के स्टैंड ने विपक्ष के प्लान पर पानी फेर दिया। कहा जाए तो भारत बंद से पहले नीतीश के स्टैंड ने विपक्ष की पॉलिटिक्स को ही कंफ्यूज कर दिया है। नोटबंदी के खिलाफ जब भारत बंद का ऐलान किया गया था तब लगा बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष सड़क पर रहेगा, लेकिन नीतीश के स्टैंड ने विपक्ष को बांट दिया है। नीतीश कुमार ने साफ कर दिया कि वो केंद्र के साथ हैं। बंदी और खिलाफ में ममता बनर्जी धरने पर पटना में बैठ रही है, कैसे देखते हैं इसको? सबको आजादी है, काम कर रहे हैं। क्या आप लोग काम साथ दे रहे हैं? अपील भी किया है कि सब लोग नीतीश के स्टैंड के बाद आरजेडी को भी अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। आरजेडी भारत बंद के समर्थन में नहीं है, वो आक्रोश मार्च निकालेगी। वहीं कांग्रेस बंद के समर्थन में तो है, लेकिन वो अपना विरोध आक्रोश मार्च के माध्यम से ही दिखाएगी। नीतीश के स्टैंड के बाद उनके साथियों को अपने प्लान में बदलाव करना पड़ा। एनडीए के नेता इसे बड़ी जीत मान रहे हैं। रामविलास तो नीतीश को कांग्रेस और महागठबंधन से नाता तोड़ने तक की सलाह दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने जो है हिम्मत दिखलाया है और सरकार का समर्थन दिया है, मोदी जी का समर्थन दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं और ये लोग जो लोग अब महागठबंधन के नाम पर या जो लोग विरोध कर रहे हैं तो वो लोग वो हैं जो जिनको इस निर्णय से जो है कहीं ना कहीं जो है आघात पहुंचा है। तो बाकी जो है जनता दल यू का जो आरोप है भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब दे दिया है, उसमें कहने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पासवान की सलाह पर जेडीयू ने तत्काल प्रतिक्रिया दी है ताकि इसके दूसरे अर्थ ना निकाले जाएं कि देश की राष्ट्रीय राजनीति में माननीय नीतीश कुमार जी कैसे व्यक्तित्व हैं जो दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर भी राष्ट्रीय प्रश्नों पर अपना नजरिया पेश करते रहे। काला धन नियंत्रित हो, क्योंकि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी देश में पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने काला धन रखने वालों की संपत्ति जब्त करके विद्यालय खोला। ये सिर्फ नोटबंदी का सवाल नहीं है, दरअसल 2019 में सबको अपनी अपनी राजनीति नजर आ रही है। अमित झा, जी मीडिया, पटना। और अब आपको लिए चलते हैं पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल, जहां जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहां का हाल वो बताएंगे। रूपेंद्र, क्या राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास भी बंद का असर कुछ देखने को मिल रहा है? थोड़ी देर पहले की बात की जाए तो थोड़ी देर पहले ये देखा जाए तो जन अधिकार पार्टी के जो छात्र थे वो आए हुए थे, AISF के जो छात्र थे, आयशा के छात्र थे, वो लोग जरूर आए हुए थे। ट्रेन को कुछ देर बाधित रखा, लेकिन ट्रेन को तो उन्होंने बाधित रखा लेकिन लोगों में काफी गुस्सा दिखा और लोग ट्रेन में भी काफी गुस्सा में थे और कुछ लोग अभी भी स्टेशन पर उसमें से हैं, हमारे साथ हैं, वे काफी गुस्से में हैं कि ये बंद जो उनका है वो सही नहीं। आप से जानेंगे कि आप क्या मानते हैं। हेलो, हम राम सेवक पासवान बोल रहे हैं, राजेंद्र नगर से बोल रहे हैं। एक मिनट, आप क्या मानते हैं? इससे बहुत जन जीवन व्यस्त हुआ है, आम जनता में बहुत सी परेशानी हो रही है, किसी को तबीयत खराब है, किसी को ड्यूटी जाना है, तो उस तरह की बहुत दिक्कत हो रही है। इससे कोई मतलब नहीं निकलता है, इससे कोई मतलब नहीं निकलता है। अभी ट्रेन कुछ देर पहले रुकी गई, आप लोग कितने परेशान? हम लोग बहुत परेशान है, ऑफिस का समय है, इस समय ट्रेन पहुंचेगा तो क्या ऑफिस क्या किस समय पहुंचेगा, इससे बहुत लोगों को बाधित हो रहा है और इस जनता को भी बहुत परेशानी हो रहा है। जी रुपेंद्र, हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन हम इस बीच दर्शकों को एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये राजधानी दिल्ली की तस्वीर है, ये देखिए ये किस तरीके से मोदी जी का
स्टैंड लिए लोग हैं और विपक्ष ने जो भारत बंद बुलाया है, आक्रोश मार्च बुलाया है, उसका विरोध कर रहे हैं लोग कि ये बंद हमें नहीं चाहिए, हम मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से संतुष्ट हैं, थोड़ी बहुत दिक्कतें हमें जरूर आई लेकिन अगर उन दिक्कतों को दरकिनार करें तो हमारे देश का भविष्य अगर अच्छा होता है तो इस फैसले के साथ हम खड़े हैं। काला धन पर लगाम लगाने के लिए जो पहल नरेंद्र मोदी ने की है, प्रधानमंत्री ने की है, इसका लोग समर्थन कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता राजधानी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के पास मौजूद हैं रुपेंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ। और ये राजेंद्र नगर टर्मिनल काफी इंपॉर्टेंट स्टेशन है राजधानी पटना का, जहां कई ट्रेनें आती हैं और यहीं से कई ट्रेनें खुलती भी हैं बड़े बड़े राज्यों के लिए, बड़े बड़े राजधानियों तक पहुंचने के लिए। रुपेंद्र, विपक्ष लगातार ये कह रही है कि आम जनता का हम भला चाह रहे हैं इसलिए भारत बंद हमने नोटबंदी के फैसले के खिलाफ बुलाया, लेकिन जिन लोगों से आपने बातचीत की उनमें तो गुस्सा नजर आ रहा है इस बंद को लेकर के कि हमें बहुत दिक्कत हो रही है। हालांकि बंद ये बेअसर है लेकिन कुछ लोगों को ऑफिस जाना था ट्रेन के जरिए, ट्रेन अभी तक पहुंची नहीं है, बंद से आवागमन पर भी थोड़ा बहुत असर देखने को मिल रहा है। जी जरूर है, कुछ लोग को ऑफिस जाना था, कुछ को इलाज कराने जाना था और काफी लोग परेशान हैं और लोगों का साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधानमंत्री का जो फैसला है वो ठीक है। हम आपसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री का जो फैसला है नोटबंदी का, उसका आप स्वागत करते हैं कि नहीं करते? यस 100% स्वागत करते हैं। हम लोग को नोटबंदी से उतना प्रॉब्लम नहीं है जितना आज भारत बंद से प्रॉब्लम है। हम लोग भारत बंद से त्रस्त है, वो लोग बंद कर रहे हैं जिनके पास काफी करेंसी है, बैंक मनी उन लोग पास है, जनता के पास नहीं। जनता परेशानी में नहीं है बट वो लोग परेशानी में है जिनके पास काफी पैसा है। जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग पैसा लैंड में लग भंजाए कोई टेंशन नहीं हुआ, लेकिन भारत बंदी से लोग काफी ट्रेन में परेशान हो रहे हैं, ऑफिस जाने में लेट हो रहे हैं। यानी कि आज बंदी से परेशानी हम लोग हैं, ना कि नोटबंदी से परेशानी है। नरेंद्र मोदी ने अच्छा डिसीजन लिया जनता के हित के लिए और जनता के लिए लिया उन्होंने। बंदी से आपको परेशानी, आप तो जानिए कि परेशानी किस चीज से हो रही है? परेशानी हम लोग को हो रही है भारत बंद से, और ये क्या बोलते हैं भारत बंद से परेशानी हो रही है। और मतलब मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए हम लोग आम जनता सब मोदी सरकार के साथ हैं। और मतलब विरोधी तो मतलब करते ही हैं, मतलब तो हम लोग उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, हम लोग मोदी सरकार को सपोर्ट करेंगे बस। विपक्ष कह रहे हैं कि हम जनता के लिए कर रहे हैं, आप मानते नहीं? विपक्ष अपने सिर्फ अपने लिए कर रही है, जनता के लिए नहीं, मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कर रही है और अपने लिए कुछ नहीं कर रही है, अपने ब्लैक मनी को बचाने के लिए कर रही है। बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका लोगों की राय जी पुरवैया पर सुनाने के लिए। तो आम जनता जो है, बिहार की ये जनता है जो हर रोज ट्रेन से सफर करती है, आम तकलीफ इनको हो रही है आम लोगों को, क्योंकि आज भारत बंद है और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि बंद के मद्देनजर आवागमन बाधित होती है। आज कुल मिलाकर थोड़ा बहुत असर इसका देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच ये भी बता दूं कि आम जनजीवन पर कोई असर नहीं पड़ा है, सब कुछ सामान्य है। नोटबंदी लागू करने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने इसका स्वागत किया है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने इस फैसले का समर्थन किया था और यही वजह कि अमित शाह ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार के समर्थन की तारीफ की है। मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार का विशेष अभिनंदन करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने मोदी जी की काले धन के खिलाफ जो लड़ाई है उसका समर्थन किया है। पटना में प्रदर्शनकारियों ने गंगा दामोदर एक्सप्रेस को रोक दिया, जिससे यात्री परेशान देखे। लोगों से बात की एजी मीडिया संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव ने। हम अभी खड़े हैं पटना राजेंद्र नगर टर्मिनल और पटना जंक्शन के बीच में रेलवे ट्रैक के पास, और यहां पर गंगा दामोदर एक्सप्रेस धनबाद पटना एक्सप्रेस के अभी ये धनबाद पटना एक्सप्रेस बन के जा रही है, वो घंटों से रुकी हुई है। कारण यह है कि जन अधिकार पार्टी के छात्रों ने और AISF के जो छात्र हैं उनके द्वारा इस ट्रेन को रोका गया है, लेकिन जनता काफी परेशान है। हम जनता से ही बात करते हैं, आप ट्रेन से सफर कर रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? अरे हम लोगों को परेशानी ये है कि ये बिना मतलब का जो रोका हुआ है, इसे हम लोगों को परेशानी हो रहा है। ये तो बिना मतलब का रोका जाना, इसे जनता को क्या है? जनता तो खुश है कि इन्होंने बहुत अच्छा सा काम किया, ये इतनी बढ़िया काम किया कि जनता इसे खुश है। गांव देहात में जाकर के पता करिए, चोरवा सा मिल करके कर रहा है कि ये कहानी, यहाँ तो सारी जनता खुश है। लेकिन आप लोगों कई लोगों ने परेशानी में डाल दिया है। परेशानी तो स्वाभाविक है कि जब ये हुआ तो परेशानी तो हो रहा है। जब ट्रेन रुक रही, हम लोगों को समय से पहुंचना था, काम करना था, सारे जानता है कि जहां 8 घंटा काम करना है वहां 10 घंटा हम काम करने के लिए तैयार हैं।
तो ये सामना किया हुआ है। प्रधानमंत्री के नोटबंदी को आप कैसे देखते हैं? अभी आप परेशानी आप कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा हुआ है। लेकिन अभी ट्रेन रोक दिया गया है, चोरबंद सब किया है ना, नकबंद किया साला, नकबंद चोरन सब किया है ना। भ्रष्ट अधिकारी जितने भ्रष्ट नेता हैं उन्हीं लोग का समर्थन ये बंद करने में है, और जितने ईमानदार लोग हैं वो तो बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं मोदी के इस कदम का। मोदी तो एकदम बहुत ही लाजवाब काम किए हैं मोदी जी। आप जानेंगे कि आप क्या कहना है? ये जो है जिनके पास काला धन है वही सब जाम करते हैं, जिनके पास काला धन है वो जाम नहीं करते। मोदी सरकार बहुत अच्छा काम की है। लोगों का साफ तौर पर ये कहना है कि उन्हें परेशानी जरूर हो रही है इस ट्रेन के रोकने के बाद, लेकिन जो ट्रेन रोका गया है वो गलत किया गया है और केंद्र सरकार अच्छे काम कर रही है। कैमरामैन फिरोज के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया पटना। नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद को लेकर बिहार के लोग सवाल पूछ रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि इस बंद से क्या होने वाला है। जब नोटबंदी को जनता का समर्थन हासिल है तो लोगों की तकलीफ बढ़ाने के लिए बंद क्यों? देश आर्थिक क्रांति की राह पर है ऐसा सरकार दावा कर रही है। सरकार के इस दावे पर आवाम को भरोसा है, यही वजह है कि नोटबंदी के फैसले पर लोग सरकार के साथ खड़े दिख रहे हैं। काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ इस जंग में जनता तकलीफ उठाकर भी सरकार के साथ दिख रही है, लेकिन कुछ सियासी पार्टियों को सरकार का ये फैसला रास नहीं आ रहा और इसके विरोध में भारत बंद का आह्वान किया गया। बिहार के लोग ऐसी सियासी पार्टियों से सवाल पूछ रहे हैं कि ये बंद आवाम के हित में है या तकलीफ पहुंचाने के लिए। सरकार के जिस फैसले से लोग खुश हैं तो जनता के हित के नाम पर उसे ही तकलीफ पहुंचाने के लिए बंद क्यों? भारत बंद किया गया है ये बिल्कुल गलत है, और नोटबंदी का फैसला जो माननीय प्रधानमंत्री जी का है बिल्कुल सही है। इससे आम जनों को सुविधाएं होंगी, 5-10 दिन के लिए थोड़ी सी परेशानी हो रही है बट इसके बाद ये सब परेशानी ठीक हो जाएगी। भारत बंद के समर्थन में नहीं है क्योंकि जो भी नोटबंदी का हुआ है वो कुछ दिनों का प्रॉब्लम है, आगे चल के बहुत ही हम लोगों को फायदा मिलने वाला है और आगे चल के सब कुछ ठीक हो जाएगा। नोटबंदी जो है ये जरूरी था, वैसे भी भारतीय संविधान में उल्लेखित किया गया है कि हर 10 साल पे सरकार को जो है करेंसी चेंज कर देनी चाहिए। नोटबंदी के खिलाफ भारत बंद का आह्वान लोगों को रास नहीं आ रहा, लोग अपने अपने तरीके से विरोध भी करने लगे हैं। राज्य के गिने चुने लोगों को छोड़कर ये बंद किसी को भी भा नहीं रहा। ये सरासर गलती है, ये नौटंकी है, जनता को परेशान करने के लिए है। ये लोग का जनता का भला के लिए कुछ नहीं है, भला करना ये बंद करके जनता का भला नहीं होगा। ये मोदी का एक बहुत बढ़िया डिसीजन रहा और जनता को कहीं कोई परेशानी नहीं है और बंद का हम लोग सख्त विरोध करते हैं। नोटबंदी से लोग खुश हैं, सिर्फ नेता इस पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। मोतिहारी से पंकज और बक्सर से रवि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।